और मैं आज मुख्यमंत्री से मिला हूं, मैंने सारी उनको बात बताई है कि 12 घंटे तक सारे उन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए, हमें अलग बिठा दिया, मेरे पूरे घर को सर्च किया, मेरे बेड को, मेरी अलमीरा को, मेरे कपड़े, हर एक चीज़ उन्होंने देखी, लेकिन मेरे घर में कुछ मिला नहीं उनको। और मेरे घर में पहले भी एक बार ACB ने सर्च किया था, तब उनको कुछ नहीं मिला था, और आज सर्च किया, आज भी उनको कुछ नहीं मिला। मेरा एक मोबाइल था, वो मोबाइल लेकर गए जिसको सीज़ किया गया, सीज़ में वो मुझे वो देकर गए। और मैंने जब उनसे ये पूछा कि भाई आप किस FIR के तहत आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 2016 की कोई दिल्ली वक्फ बोर्ड की FIR है, जब वक्फ बोर्ड भंग किया गया था, और वो तो ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर है, चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई है, और उसमें कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं है, कहीं लेन देन की बात नहीं है, उसमें सिर्फ इरेगुलरिटीज़ की बात है कि आपने जो किया वो ड्यू प्रोसेस नहीं था, जबकि उनका कहना भी गलत है, जब आप कोर्ट में चल रहा है तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस कोई चीज़ नहीं हुई है तो वो इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, और इलीगलिटी भी नहीं है, लेकिन करप्शन कहाँ से आ गया, PMLA कहाँ से आ गया, उसमें पैसे का लेन देन कहाँ से आ गया, तो उसमें कोई फंडिंग तो हुई नहीं है। वो तो 32 लोग थे, 32 लोगों को 2 महीने के लिए रखा गया था, इन्होंने खुद ही उनको हटा दिया था, 2 महीने की सैलरी गई है तो काम करने के बुनियाद पर गई है। अभी हाईकोर्ट वो लोग चले गए थे तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इन लोगों ने अगर काम किया है तो इनको पैसे आप देंगे, कैसे रखेंगे कैसे नहीं है तो अलग चीज़ है। आप कह रहे PMLA का मामला नहीं बनता, फिर ED किस आधार पे आएगी? मुझे तो खुद नहीं पता ना, वो तो ये खुद कह रहे हैं कि हम तो 2016 की जो FIR है उसमें है, वो ऑलरेडी जो है चल रहा है, CBI ने उसमें चार्जशीट कर रखी है, तो PMLA कहाँ से बन गया, और उसमें तो है ही नहीं कुछ, उसमें तो 1500 सूट है जिनका सारा हिसाब है, 160 रुपये का एक सूट है, 10-12 7 फोगिंग मशीन है, 2 कैमरे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कंप्यूटर हैं, सारी चीज़ वहाँ मौजूद है। तो कोई चीज़ अगर खरीदी गई है और वो जो है एक मैनेजमेंट कमेटी, जो कमेटी बनाई थी मैंने उसके अंदर परचेज कमेटी, उसके जरिए खरीदी गई है और उसमें जिससे पहले कोटेशन लेकर के दी गई है, तो उसमें करप्शन कहाँ से आ गया? कुछ ED के आपके घर से